तो वंस अगेन मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर क्लास में हमने लास्ट क्लास में जो चर्चा करी थी वो यहाँ तक कर थी, यानी कि प्रकाश के जो स्रोत थे उसके बारे में हमने सारा कुछ जान लिया था। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो चर्चा है हमारे प्रकाश के जो क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कि प्रकाश के माध्यम भी थे और उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है उसे समझते हैं। चलिए तो चलिए आज क्लास में डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे और अब इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि प्रकाश है हमारा तो उनकी वस्तुएं, जो वस्तुओं के आधार पर हमारा इनका क्लासिफिकेशन करा जाता है। अब किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट का क्लासिफिकेशन, तो हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि वर्गीकरण, यानी कि प्रकाश स्रोतों का वर्गीकरण, प्रकाश स्रोतों का वर्गीकरण। प्रकाश स्रोतों को वर्गीकरण की मैं बात करेंगे तो प्रकाश स्रोतों के वर्गीकरण यानी कि द सोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, तो इनको दो भागों में बांट लेते हैं। एक को बोला गया लुमिनियस यानी कि दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं, मैं वस्तुएं लेके चल रहा हूँ, आप चाहूँ तो इसे सोर्स ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, नो इश्यूज़। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनियस। और सेकंड हो जाएगा हमारा अदीप्त, अदीप्त या अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं, मतलब यहां पर इसको हम बोलेंगे नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस थिंग्स। तो आप लोगों को यहाँ नाम से पता चल रहा है कि लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, यानी कि दीप्त प्रदीप्त वस्तुएं। देखो आजकल एनसीईआरटी कुछ घुमा के बात करता है, कभी भी दीप्त बोल सकता है, प्रदीप्त बोल सकता है, तो दोनों नाम मैंने यहाँ पर लिख के चला हूँ। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इट्सेल्फ, ठीक है ना, जो प्रकाश प्रोड्यूस करती हैं, क्या करती हैं, इट्सेल्फ अपना प्रकाश जो प्रोड्यूस करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुमिनियस थिंग्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे जैसे देखो सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा नहीं होता, समझ लेना, चंद्रमा क्या करता है, वो सूर्य के साथ सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है ना, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ठीक है ना, चंद्रमा तारे, देखो लैंटेन हो गया, लैंटेन को केवल हम जलाते हैं, लैंटेन खुद प्रकाशमय होती है। और देखो विद्युत बल्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, और आदि लगा देंगे, इसका मतलब यहाँ तक हम लोग समझ गए कि दीप्त क्या है, प्रदीप्त क्या है, तो हम कहेंगे वे वस्तु जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है। प्रकाश किसका होता है, तो हम कहेंगे प्रकाश होता है सर किसका, प्रकाश होता है स्वयं का, किसका, स्वयं का। और यहाँ हम बात करेंगे अदीप्त वस्तुओं की, तो इनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यानी प्रकाश अपना नहीं होता, यानी कि स्वयं का प्रकाश नहीं होता। फिर क्या करते हैं सर, ये दूसरों पर डिपेंडेंट ईच अदर, यानी कि वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरों पर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना, दूसरों पर निर्भर करते हैं, निर्भर क्या करेंगे सर, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये निर्भर नहीं रहते, ये निर्भर नहीं रहते, ठीक है ना, ये स्वयं पर निर्भर होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे जैसे जैसे क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम जो कहेंगे चंद्रमा, चंद्रमा होता है, चंद्रमा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, चंद्रमा हो गया, देखो ये दीवार है, दीवार भी चमकती है, ठीक है ना, जो कांच होता है, कांच भी भैया, ठीक है ना, शुद्ध जल भी हो गया, ठीक है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देने को लग जाएंगी कि कौन कौन हो सकता है। तो अब इसमें समझ गए हैं आप कि दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होती है, यानी कि जो प्रकाश प्रोड्यूस करती है अपने आप स्वयं करती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं यानी कि प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, जो दूसरों पर निर्भर करती हैं, तो वो कौन कौन सी, चंद्रमा हो गया, दीवार हो गया, कांच हो गया आदि, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया है, आप लोग यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे समझने के लिए, ठीक है ना, और जिनके समझ नहीं आ रहा हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें क्या चीज़ कहाँ कोई टॉपिक में प्रॉब्लम्स हो। इसके बाद फिर आगे की कहानी हम समझाते हैं। जब हम लुमिनियस नॉन लुमिनियस के बारे में पढ़ लिए तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुणों के बारे में। तो वो प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन जब करेंगे, प्रकाश के गुणों के बारे में जब हम जानेंगे तो प्रकाश के गुण क्या हैं, यहाँ पे सारी जो बात निकलेगी, प्रकाश के गुण क्या हैं, तो प्रकाश के गुण, और बच्चों प्रकाश के गुण जब हमने हेडिंग डाला है तो प्रकाश के गुण में सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बन जाएगा कि प्रकाश कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होता है, किसका होता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होता है, और जिसमें जो विजिबिलिटी है यानी कि विजिबिलिटी है वो किसकी देन है, सब इलेक्ट्रो की वजह से, ठीक है ना। जिसमें जो विजिबिलिटी है ना वो किसकी वजह से है, सर ई की वजह से, इलेक्ट्रो की वजह से, और इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होता है। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगें हमें दिखाई नहीं देती। क्या आपको प्रकाश दिखाई देगा? तो आपने भी ये देखा होगा, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हम कहेंगे प्रकाश से वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन स्वयं अदृश्य होता है। स्वयं कैसा होता है? स्वयं अदृश्य होता है, अदृश्य होता है। वस्तुएं तो दृश्य होंगी, वस्तुएं तो क्या होंगी, दृश्य होंगी, लेकिन ये स्वयं अदृश्य होता है, ठीक है ना। तो इसे हम कह देंगे प्रकाश से वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन वह स्वयं अदृश्य होता है। इसके बाद फिर तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे, तो आप लोग देखेंगे, देखो रे ऑप्टिक्स में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ से हमें बात करेंगे। तो हमने पहले बताया कि प्रकाश कैसा चलता है, कि स्ट्रीट लाइट में क्या करता है, सर गति करता है, यानी कि ट्रैवल करता है। तो प्रकाश ट्रैवल यानी स्ट्रीट लाइट, यानी कि एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसा चलता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड हो गया। पॉइंट नंबर फोर्थ पे बात करेंगे अब। जब सीधी रेखा प्रकाश करता है, इसका मतलब फिर आगे होता है कि प्रकाश की चाल कितनी हो सकती है। बेटा यहाँ पे जब हम निकालते हैं तो निर्वात या वायु में, किसमें, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है, यानी कि लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल या स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल जो होगी वो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर आता है फाइव, और फिफ्थ पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक होती है। कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रम से 8000, यानी दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो हमारी इतनी होती है, दृश्य प्रकाश की। ये ध्यान रखना है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा हूँ मैं। और जो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश क्या होता है, तो ये भी कह सकते हैं प्रकाश क्या होता है, यानी कि प्रकाश कैसा होता है। तो आप लोगों ने न्यूटन के माध्यम से मैंने ऑलरेडी बता दिया प्रकाश कैसा होता है, कणिकाओं के रूप में होता है, यानी कि छोटे छोटे बंडलों के रूप में बना होता है, कणिकाओं के रूप में, छोटे छोटे फोटोन होते हैं उन बंडलों के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों पाँच से छः पॉइंट पढ़ लिए हैं, लगभग 2 से 3-4 पॉइंट्स आपके और आते हैं, और बाकी आप लोग जब डेफिनेशन और पढ़ेंगे। एक और है प्रकाश से होने वाली घटनाएँ। तो प्रकाश से घटना होती है वो होती है हमारी, आप लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होगा, क्या होगा, परावर्तन होता है। प्रकाश से हमारा अपवर्तन भी होता है, क्या होता है, अपवर्तन भी होता है। प्रकाश से हमारा क्या होता है, ध्रुवण भी होता है। प्रकाश से हमारा व्यतिकरण भी होता है, इंटरफ्रेंस जो बोलते हैं, व्यतिकरण होता है, ठीक है ना। इससे ध्रुवण हो गया, प्रकृतिकरण हो गया भैया, फिर इसके बाद विवर्तन भी होता है। इससे क्या होता है, विवर्तन की घटना होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन की भी घटना होती है। मतलब ये सारी की सारी जो आप पढ़ रहे हैं वो किसके माध्यम से हो रहे हैं, उन्हें आधी लगा दिया, तो इस प्रकार की घटना होती है, ठीक है। तो ये प्रकाश के क्या हो गए, हमारी प्रॉपर्टी होगी। यहाँ तक बच्चों समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है आया हो। चलिए प्रॉपर्टीज के बाद फिर हम अगला हेडिंग देखेंगे, और उसमें है ऑप्टिकल मीडियम। कैसे होंगे? ऑप्टिकल मीडियम। चलिए अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल मीडियम की। ऑप्टिकल मीडियम को हिंदी में बोलेंगे तो बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। क्या बोलेंगे? प्रकाशिक माध्यम। अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसे माध्यम होंगे जिसमें से प्रकाश गमन कर जाए, गमन ना कर सके, और कुछ यानी कि आंशिक रूप से गमन कर सके। तो इसीलिए हम जो बात करेंगे, तो प्रकाशिक माध्यम को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, कौन सा, ट्रांसपेरेंट। एक हो जाता हमारा ट्रांसलेंट, अगला हो जाएगा हमारा ऑप्क्यू, ठीक है। ट्रांसपेरेंट की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा पारदर्शी, ये हमारा ट्रांसलेंट है यानी कि पारभाषक, पारभाषक।
और ये हो जाएगा हमारा अपारदर्शी। और ज़्यादातर बच्चे लोग समझ गए होंगे इसके शब्दों से ही समझ गए होंगे कि अपारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है और पारभाषक क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा पारदर्शी माध्यम की, तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाता है, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाता है उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, यानी कि पारदर्शी माध्यम कहते हैं। द मैक्सिमम पार्ट ट्रेवल डेट्स अ मीडियम डेट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसमें से क्या होता है, मिनिमम पार्ट ऑफ लाइट ट्रेवल डेट्स अ मीडियम, ठीक है ना। और इसमें बिल्कुल भी नहीं कवर, कैन नॉट बी ट्रेवल डेट्स मीडियम, क्या कहलाएगा हमारा, ऑप्टिक कहलाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है ट्रांसपेरेंट क्या है, सर ऐसा माध्यम होगा जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाएगा। जैसे हम बात करेंगे जैसे, तो क्या हो सकता है आप लोग देखेंगे, जैसे वायु है, वायु है सर, जल है, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल है, वायु है, शुद्ध जल है आदि कर लो, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जो आपको दिखाई दे जाएंगे जिसमें से प्रकाश गमन कर जाएगा। ट्रांसलेंट की बात करेंगे तो ट्रांसलेंट ऐसा माध्यम होता है जिसमें से लाइट का मिनिमम पार्ट ही ट्रेवल कर पाता है, जिसमें से एक को बात करेंगे, एक हमारा हो जाएगा भैया, एक वाला एक हमारा हो जाएगा क्या बताइए, तेल लगा हुआ कागज़ है ना, ऑयली पेपर, तेल लगा कागज़ तेल है ना, ऑयली पेपर। दूसरा हमारा इसमें लिख देंगे आप लोग घिसा हुआ कांच, कौन सा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है। तो आदि, यानी कि ये सारे के सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिसमें से प्रकाश निकल सकता है और जिसमें से प्रकाश आंशिक रूप से गमन करेगा। और तीसरा आता है अपारदर्शी, तो अपारदर्शी में लिख देंगे जैसे, जैसे आपकी देखो ये दीवार है, दीवार है ना, कुर्सी है, कुर्सी मेज है, आपके सामने मेज है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे ट्रांस ऑब्क्यू है, यानी कि अपारदर्शी माध्यम है। तो बच्चों आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी उम्मीद है, और इसी प्रकार आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और आप हमारी ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बहुत ही सरल और सुधरण और अच्छी भाषा में मैंने सारे नोट्स आपके लिए बनाए हैं, और उनको भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, उसकी मदद से आपको प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।